आज हम इस वीडियो में बात करने आए हैं गन्ने की फसल में हमें कौन सी खाद व उर्वरक का प्रयोग करना है जिससे हमारे गन्ने की उपज अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे रोचक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि हम सबको पता है, विश्व के 114 देशों में चीनी का उत्पादन दो स्रोतों से होता है, यानी कि चुकंदर और गन्ने से। अगर देखा जाए तो भारत में अधिकतर गन्ने से चीनी का निर्माण होता है। विश्व के गन्ने के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान आता है। हमारे देश में गन्ना जो है वो एक नकदी फसल है जिसकी खेती हर साल हम किसान भाई लोग 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। गन्ने की खेती ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पर की जाती है जिसमें कि जल धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। गन्ने की खेती गर्म एवं शुष्क एवं नम एवं ठंडी जलवायु परिस्थिति में की जा सकती है। गन्ने की वृद्धि के लिए अनुकूल समय जुलाई से अक्टूबर तक ही होता है। गन्ने की खेती सामान्य बलुई दोमट भूमि पर भी की जा सकती है जिसकी मिट्टी में नमी 12 से 15% तक होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं उर्वरक के बारे में, हमें इसमें कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए। गन्ने में 300 किलो नाइट्रोजन यानी कि 650 किलोग्राम यूरिया आपको देनी है। उसके साथ साथ 80 किलो फास्फोरस यानी कि 500 किलो सुपर फास्फेट और 90 किलो आपको पोटास देनी है यानी कि 150 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने गन्ने के खेत में देना है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमें गन्ने की बुआई करते समय उसके कुड़ों में देना है। नाइट्रोजन की मात्रा हमें अक्टूबर में देनी है। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए हमें गोबर की खाद व हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमें गन्ने की बुआई करने से पूर्व हमें किस प्रकार की भूमि का चयन करना है। गन्ने की खेती हम किसी भी प्रकार की भूमि पर कर सकते हैं जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। गन्ने के लिए काली भारी मिट्टी, पीली मिट्टी और रेतीली भूमि भी अच्छी रहती है और जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव वाली अगर भूमि होती है तो हमारे गन्ना खराब होने की संभावना हो जाती है, यानी कि सामान्य पीएच वाली भूमि गन्ने के लिए लाभदायक होती है। गन्ने की खेती अगर हम गहरी दोमट भूमि पर करते हैं तो उसकी उपज अधिक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गन्ने में खाद और उर्वरक का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। गन्ने की अच्छी उपज लेने के लिए हमें खेत की जुताई करते समय अपने खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 क्विंटल गोबर की खाद हमें अपने खेत में देनी है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन 80 किलो, फास्फोरस और पोटास 40 किलो, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलो जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खेत में मिला देना चाहिए। जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व हमें अपने कूड़ों में पौध के पास देनी है। खेत में पहली सिंचाई के बाद नत्रजन की मात्रा अवश्य देना चाहिए और उसके साथ साथ निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे हमें अपने खेत में गन्ने को खरपतवार मुक्त कर रख सकें। गन्ने की पैदावार के लिए नत्रजन की मात्रा को अप्रैल और मई के महीने में 2 बार प्रयोग करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।